झारखंड में दूसरे चरण के मतदान के लिए आज प्रचार का शोर थम जाएगा। सूबे में जीत हासिल करने के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी तो इस बार 65 पार का नारा देते नहीं थक रही है, लेकिन बीजेपी की पुरानी सहयोगी शिवसेना तो हर बार सरकार पर ही बरस रही है और अब झारखंड में बीजेपी को लेकर शिवसेना ने जबरदस्त तंज कसा है। महाराष्ट्र में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने में अहम भूमिका निभाने वाली शिवसेना बीजेपी पर बरसने का कोई मौका नहीं छोड़ रही और अब तो झारखंड को लेकर भी शिवसेना ने भविष्यवाणी की है। जी हां, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी अब सिमटने की कगार पर है। देश में राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहे हैं, खासकर पिछले 2 सालों में इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। 71% भूभाग का सत्ता सुख भोगने वाली पार्टी अब महज 40% पर सिमट चुकी है। शिवसेना ने लिखा कि न केवल महाराष्ट्र बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश अब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। हरियाणा में भले ही भाजपा ने चुनाव बाद गठबंधन का सौदा कर सरकार बना ली हो, पर स्वीकार्यता के मामले पर उसे हर मोर्चे पर नाकामयाबी ही हाथ लगी है। इसी कड़ी में अब परेशानी बढ़ाने की बारी झारखंड में नजर आ रही है। शिवसेना ने कहा कि झारखंड में जारी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तस्वीर साफ है कि इस बार झारखंड की जनता भी सत्ता के अहंकार को जोर का धक्का जोर से ही देगी। हालांकि बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए वहां पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री तक मैदान में कूद पड़े हैं, पर मैदान में उन्हें सुनने के लिए भीड़ नहीं जुट रही। शिवसेना ने सूबे की रघुवर दास सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सूबे में विकास नहीं हुआ है। साल 2000 में झारखंड राज्य के गठन से आज तक ज्यादातर वहां सत्ता भाजपा या उसके समर्थन से रही है। तब भी विकास के मामले में झारखंड हमेशा कुपोषित ही बना रहा। आदिवासी संस्कृति और संपत्ति वाले प्राकृतिक संसाधनों के धनी इस राज्य में आज तक गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, बीमारों, स्वास्थ्य सेवाएं और अराजकता का बोलबाला रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता को सरकार तो मिली, पर जल, जंगल, जमीन और उसके प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार नहीं मिल पाया, जिसका जवाब जनता सरकार से चाहती है, लेकिन सरकार चुप्पी साधे बैठी है। अब शिवसेना ने तो बीजेपी को आईना दिखा दिया, लेकिन क्या बीजेपी इस आईने में दिखी तस्वीर को बदल पाएगी और क्या जनता का विश्वास जीत कर फिर सूबे में कमल खिला पाएगी? ये बड़ा सवाल है, जिसका जवाब 23 दिसंबर को सबके सामने होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।